नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द हंट चैनल में स्वागत है। महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने बम विस्फोट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को मुंबई से गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान कामरान अमीन खान के तौर पर हुई है। पुलिस कल उसे यूपी पुलिस को सौंप देगी। बता दें कि उसने यूपी पुलिस के 112 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर धमकी दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी देने वाले मोहम्मद कामरान अमीन खान को मुंबई एटीएस में मुंबई के चूना भट्टी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को लखनऊ पुलिस ने गोमती नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने मुंबई में संदिग्ध होने के बारे में महाराष्ट्र एटीएस को सूचित किया था। गिरफ्तार आरोपी को यूपी स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दिया गया है। उसे कल मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यूपी पुलिस के 112 मुख्यालय में गुरुवार देर रात लगभग 12:30 बजे एक व्हाट्सएप नंबर पर आई थी। यह मैसेज यहां के सोशल मीडिया डेस्क के नंबर 7570000100 पर आया था। मैसेज में लिखा था, सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूं। एक खास समुदाय का नाम लिखा था कि जान का दुश्मन है वो। यह मैसेज आने के बाद उच्च अधिकारियों को इसी सूचना दी गई। इस शख्स के खिलाफ गोमती नगर थाने में धारा 505(1)(b), 506 और 507 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। यह पहली बार नहीं है जब योगी को इस तरह से जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले बिहार पुलिस के एक जवान को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। पुलिस इस जवान को बिहार से गिरफ्तार कर लाई थी। बिहार पुलिस का यह जवान उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था। आरोपी का नाम तनवीर खान था।